हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फ्रेंड, आज वीडियो में बात करने वाले हैं 12th अक्टूबर के टॉप आईटी ऑल इंपॉर्टेंट लेटेस्ट न्यू अपडेट्स को लेकर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बता दूं फ्रेंड, यहां पर जो है अगेन एंड अगेन काफी बड़ी अपडेट आ रही है कॉग्निजेंट एंड इंफोसिस एंड टीसीएस टीम की तरफ से। चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के करते इस वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड फटाफट आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना फ्रेंड, और आप लोग जो है मैं वीडियो को जरूर एक जन को जरूर शेयर करना फ्रेंड, ताकि जो है मुझे भी जो है आप लोगों की तरफ से थोड़ा सपोर्ट देखने को मिले, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है 24/7 आप लोगों के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप लोगों के अपडेट देने के लिए, आप लोगों के हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। चलिए फिर अब बात करते, बता दो फ्रेंड, रिसेंटली मैं जिन्होंने भी अपना कॉग्निजेंट का जो है CIS कम्युनिकेशन असेसमेंट का राउंड दिया, उनका रिजल्ट डिक्लेयर होना चालू हो गया है। और ये रिजल्ट आने में जो टाइमिंग आपका लग रहा फ्रेंड, वो है आपका 24 to 48 hours। मीन्स अगर आपने अपना एग्जाम जो है 12th अक्टूबर को दिया है कम्युनिकेशन का, तो आपको जो है विद इन 24 to 48 hours के अंदर में आपके पास अपडेट आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए फ्रेंड, कॉग्निजेंट इज नाउ शेड्यूल फॉर द फॉलोइंग इंटरव्यू स्लॉट 13 अक्टूबर 2023। और यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं, और आपका एप्टीट्यूड का भी रिजल्ट डिक्लेयर होना चालू हो गया है। जो लोग सिलेक्टेड हुए एग्जाम में और कम्युनिकेशन राउंड में, उसके बाद फर्दर मेल आ रहे हैं। और जो लोग रिजेक्ट जिनके पास अभी तक कोई मेल नहीं आया है, अभी आप लोग होल्ड में हो, वेट करो। अगर आप लोग नेक्स्ट शॉर्ट में शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो, मतलब नेक्स्ट बैच वाले इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो, तो आपके पास आ जाएगा, अदरवाइज आपके पास रिजेक्शन मेल आ जाएगा। लेकिन कॉग्निजेंट की तरफ से आपको रिजेक्शन मेल देखने का काफ़ी कम चांसेस है, ये बात आप लोगों को पता होगा फ्रेंड। अगर आप रिजेक्ट होते भी हो ना, तो आपके पास एक सर्वे मेल आएगा और उसमें आपको दूसरी रोल मिल जाएगी, अगर आपका थोड़ा सा परफॉर्मेंस अगर अच्छा हुआ है एग्जाम या फिर कम्युनिकेशन या फिर एप्टीट्यूड राउंड में तभी। चलिए ये आप बता दो फिर, इंफोसिस जो है यहाँ पर अगेन जो है, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मुझे कमेंट करा मेरे वीडियो में कि सर मेरा जो है पहले 5 दिसंबर मेरा ऑनबोर्डिंग था, और अभी जो है अगेन मेरा जो है 2 जनवरी को मेरा ऑनबोर्डिंग हो रहा है, और एक मेल आया है कि यू विल रिसीव योर रिवाइज्ड ऑफर लेटर शॉर्टली। तो यहाँ पर इंफोसिस का जो है अगेन बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीबोगरीब अपडेट है, जो कि यहाँ पर अगेन जो है पहले नवंबर दिसंबर आया, देन दिसंबर से फिर जनवरी, और फिर मैंने अब कहा था आप लोगों को ये इंफोसिस बस आपको ट्रैप कर रही है कि आप खुद से गुस्सा में आकर कंपनी छोड़ दो, क्योंकि कंपनी आपको बिना कोई रीज़न का निकाल नहीं सकती। हाँ, रीज़न तो उसके पास भी है, डरो मत। रीज़न क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिसमैच, तो ये आपको सेंड ही कर देगी। अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो आपको सेंड कर देगी। बट यहाँ पर जो है नवंबर टू दिसंबर, दिसंबर टू जनवरी, आप फिर मैं बता दूँ फ्रेंड, जनवरी से फरवरी होने में ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप लोग को अनबोर्डिंग चाहिए इन्फोसिस कभी देने वाली है नहीं, आपको इतना पका देगी, आपको आपका दिमाग इतना ख़राब कर देगा कि आपको कंपनी खुद से छोड़ना पड़ेगा और आपको दूसरी कंपनी के लिए जाना पड़ेगा। आप क्योंकि ये देखोगे फिर ऑनबोर्डिंग नेक्स्ट ईयर तक जा चुका है, आप लोग देखोगे तो। ये है आपका री एग्ज़ाम, क्योंकि काफ़ी लोगों को टेक्निकल इशूज प्रॉब्लम फेस करने को आए थे पेड एन क्यूटी अक्टूबर में, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं फिर देखोगे तो वी अंडरस्टैंड दैट यू हैव बीन फेस इशू बाय टेकिंग द प्रोग्रामिंग एन क्यूटी एग्जाम और द प्रोग्रामिंग क्वेश्चन वेर नॉट विजिबल, आवर टीम इज टॉकिंग टू ऑन द रूट कॉज ऑफ द इशू, वंस इट गेट डन एग्जाम विल बी रिशेड्यूल्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट हु कुड टेक अप द प्रोग्रामिंग सेक्शन, प्लीज नॉट ओनली द स्टूडेंट हु हैव अटेम्प्टेड द एग्जाम सेक्शन एंड हु कुड नॉट आंसर द एडवांस कोडिंग क्वेश्चन ड्यू टू एक्चुअल जेन्युइन रीजन वुड बी गिवन अ सेकंड चांस। ठीक है, तो ये रहा आपका टेस्ट अपडेट। तो आई थिंक आई डिस्कस ऑल दी पॉइंट, यस। तो इसके बाद भी कोई मैंने कोई डाउट था कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत। वीडियो को आप लोग जो है सो गए हो तो प्लीज़ सुबह को वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना, और अपना सपोर्ट अपना प्यार जरूर दिखाना।